पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता मालिक है, जनता निर्णय लेती है। उनका चले तो पूरा देश पे राज करे लोग प्राइवेट कंपनी बनाकर, जो आप जानते हैं। उनके ऊपर बिहार के जनता, बिहार की आवाम लोगों ने विश्वास किया था, उनके हाथों में यहाँ का बागडोर दिया था। जिस तरह से बिहार को उन्होंने रखा था ये सबको मालूम है। उनके समय में, उनके नेतृत्व में बिहार कराह रहा था, बीमार बिहार था, बिहार में लोग तड़प रहे थे, अपराधियों का बोलबाला था, जो आपने देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुका है और अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस जीत के कगार पे है, वहां विजय का पताखा लहराने के कगार पे है और भारतीय जनता पार्टी की हार दिखा रही है एग्जिट पोल। इस पर लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री की पराजय है, यानी नरेंद्र मोदी की पराजय है, सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव का बयान था। इस पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता मालिक है, जनता निर्णय लेती है। उनका चले तो पूरा देश पे राज करे लोग प्राइवेट कंपनी बनाकर, जो आप जानते हैं। उनके ऊपर बिहार के जनता, बिहार की आवाम लोगों ने विश्वास किया था, उनके हाथों में यहाँ का बागडोर दिया था। जिस तरह से बिहार को उन्होंने रखा था ये सबको मालूम है। उनके समय में, उनके नेतृत्व में बिहार कराह रहा था, बीमार बिहार था, बिहार में लोग तड़प रहे थे, अपराधियों का बोलबाला था, जो आपने देखा था। मगर आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, हम सब लोग बिहार को देख रहे हैं, बिहार से मान सम्मान भी मिला है, मान सम्मान के साथ साथ हर क्षेत्र में काम भी हुआ है। काम के साथ साथ हमें नेता ने इस बात का ख्याल रखा कि सौहार्द भाईचारा बना रहे। नीतीश कुमार जी को इस प्रदेश के नहीं देश के लोग लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए वो नेता ऐसे नेता हैं जो संविधान में उसके मुताबिक बिहार को चलाए हैं। और आज बिहार के अंदर अमन चैन शांति सौहार्द के साथ साथ विकास हो रहा है। ये पहला स्टेट बिहार का है जो आप देखते होंगे ये पक्के सेकुलर हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। वोट का लालच नहीं, वोटरों की लालच है, वोटर हमारे अच्छे रहें, प्रसन्न रहें, उनका विकास हो। थैंक यू। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उनको जय और पराजय के बारे में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जनता को लूटने का काम किए हैं लालू प्रसाद यादव और विजय और जय किसकी हो इसका निराकरण वो नहीं कर सकते हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम किया है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने बहुत मशक्कत की है, वहाँ मुस्तैदी के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में विकास के काम किए हैं और एनडीए के नेतृत्व में पूरे भारत में काम हो रहा है, इसको लेकर नीतीश कुमार की सराहना हो रही है पूरे भारत में और नीतीश कुमार की तरह कोई भी नेता नहीं है, इस तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और लालू प्रसाद यादव को इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है, इस तरह का बयान देते नजर आए। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।